with the name of Allah. Assalamu alaikum guys, welcome to my new vlog. कल मैंने अपनी एक शॉर्ट स्टोरी अपलोड की थी यूट्यूब पे, तो आज दूसरी स्टोरी है रहीम। आए आए, आज तो बहुत ज्यादा सामान है, ये क्यों? मैं तो पैसे भी घर भूल आया, अब अल्लाह ही मालिक है। बहुत भारी है, पता नहीं घर कैसे पहुंचूंगा, पैसे भी नहीं है मेरे पास, किसी गाड़ी या रिक्शे पे भी नहीं जा सकता। भारी सामान है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, घर तक चलता हूँ। बहुत भारी सामान है, पता नहीं कैसे पहुंचूंगा मैं घर तक। या अल्लाह पाक रहम कर, या रहीम रहम कर, बहुत भारी है ये सामान, तो लगता है आज घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ घर की तरफ, कोई ना कोई सबब तो लग ही जाएगा, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। अस्सलामु अलैकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा, तुम कौन हो? अंकल आपने किधर जाना है? दूसरी गली में जाना है बेटा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अगर आप बुरा ना माने तो अंकल मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? जीते रहो बेटा, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? अगर आपको मुझ पर यकीन है तो अपना सामान मुझे दे दे, मैं भी उसी गली में जा रहा हूँ। जीते रहो बेटा, आबाद रहो, तुम्हारे वालदैन कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें तुम जैसी नेक औलाद दी है। जजाकल्ला बेटा, जजाकल्ला। गाइस आपने शॉर्ट स्टोरी देखी, उसमें एक बुजुर्ग थे, उनसे बोझ नहीं उठाया जा रहा था, तो अल्लाह ताला ने एक नेक बंदा भेजा जो उनकी मदद कर रहा था। इसका ये मतलब है कि आपको कभी भी अपने बोझ से परेशान नहीं होना चाहिए और आगे आगे बढ़ना चाहिए। और ठीक है, मैंने आपसे एक गुड न्यूज भी शेयर करनी थी, मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए, लेट्स सेलिब्रेट। Guys, thank you very much. Like, subscribe and share.